दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों आपको किसी भी कंपनी आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप भी वॉरेन बफेट की तरह वैल्यू इन्वेस्टमेंट में भरोसा रखते हो, उस पर बिलीव करते हो, तो बहुत लोगों को लगता है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने से उनका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, बहुत जल्दी उनके स्टॉक के प्राइस बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा जल्दी से अमीर बन जाएंगे, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास भी एक कंपनी है और मैं भी उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए उसका आईपीओ लॉन्च करने जा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर कोई भी कंपनी फाउंडर या कोई भी ओनर यही सोचेगा ना कि जो वो अपने शेयर्स आईपीओ में लिस्ट कर रहा है तो उसके बदले उसे उसको मैक्सिमम रिटर्न मिले, उसका भी फायदा, उसका भी बेनिफिट हो। और इसके लिए मैं और मेरी आईपीओ टीम वो हर एक चीज करेगी जिससे मुझे जो भी मेरा शेयर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उसका मुझे सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिटर्न मिले। मतलब कि यहां शेयर का प्राइस मार्केट डिसाइड ना करके बल्कि उस कंपनी का फाउंडर और आईपीओ टीम डिसाइड कर रही है, और वो इसे जितना ज्यादा मैक्सिमाइज हो सकता है उसे मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचेंगे। इसलिए वॉरेन बफेट भी कभी भी आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करते, पहले वो स्टॉक को मार्केट में लिस्ट होने देते हैं क्योंकि उसके बाद ही पता चल सकता है कि उस शेयर की रियल मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए और क्या है, और फिर आप उसके बाद ही उस स्टॉक पर वैल्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्योंकि इस बार प्राइस फाउंडर ना डिसाइड करके मार्केट डिसाइड।